कक्षा दसवीं व बारहवीं के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह सितंबर का असाइनमेंट फर्स्ट भेज दिया गया है यह असाइनमेंट आप सभी को आपके संबंधित विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा तथा इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जैसे कि डब्ल्यू डॉट सी जी बी एस ई डॉट इन वहाँ से आप सभी असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं विद्यार्थियों का यह प्रश्न है कि यह असाइनमेंट किस प्रकार के पेपर पे पेज पे सीट पे लिखें उनको करना क्या है कि इस प्रकार से आप आ, आ, मार्केट में कई प्रकार के आ, सीट अवेलेबल हैं जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आप सभी को बता दे रहा हूँ देखिए इस प्रकार का एक असाइनमेंट सीट जो कि नवबोध का मार्केट में अवेलेबल है जिसकी जो मूल्य है वो पाँच रुपये है इसमें बारह पेज आपको मिलेंगे तो इसी प्रकार से ए फोर साइज का आप कोई सा भी पेपर जो है असाइनमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं देखिए विद्यार्थियों को इसमें क्या क्या लिखनी है इसमें सबसे पहले विद्यार्थी अपने संबंधित जो विद्यालय है उसका नाम लिखेंगे और यह किस विषय का असाइनमेंट है उसे लिखेंगे इसके अलावा वो असाइनमेंट फर्स्ट है सेकंड है क्योंकि माह सितंबर से लेके फरवरी तक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा तो असाइनमेंट कौन सा असाइनमेंट उसे लिखेंगे और वो किस किस विषय का किस कक्षा का विद्यार्थी का पूरा नाम और विद्यार्थी से संबंधित समस्त जानकारियाँ जो है इस इस सामने वाले पेज पे आप लोग को लिखनी है भरनी है इसके बाद आप नीचे से जो है अपना प्रश्न का आंसर लिखना चालू कर सकते हैं इसके अलावा दूसरा जो पेज है इस प्रकार का पेज भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं जैसा कि जैसे कि पूर्व परीक्षाओं में इस प्रकार का असाइनमेंट पेज आप लोग या फिर असाइनमेंट शीट जो है बाज़ार से खरीदते हैं और इसमें लिखते हैं तो इस प्रकार का पेज भी आपको दस रुपये में एक एक, एक, एक बारह पंद्रह इस प्रकार से सीट रहता है वो आप लोग को मिल जाता है इसके अलावा आप लोग को पूरे साल भर के लिए यदि आप लोग खरीदना चाहें तो जो फोटो कॉपी मशीन में उपयोग होने वाला जो पेज है जैसे कि इस प्रकार से ये जे के कॉपियर ये पेज है इसमें पाँच सौ सीट होता है और इसकी जो मूल्य हो होता है वो लगभग ढाई सौ रुपये है मतलब कि एक पेज का आप लोग को मूल्य पड़ेगा और पचास पैसा पड़ेगा तो यह आप लोग के लिए सस्ता हो सकता है पूरा बंडल एक बार उठा लिए और सारे विषय का असाइनमेंट आप लोग इस पेज पे लिख सकते हैं और लिखने के बाद अब अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों का कि असाइनमेंट को हम लोग किस प्रकार से लिखें तो देखिए कि असाइनमेंट को किस प्रकार से लिखें तो उसके लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उसके अनुसार आप लोग को लिखना होगा जैसे कि यह यह जो असाइनमेंट है वो बारहवीं के जीव विज्ञान का असाइनमेंट फर्स्ट है तो इसमें जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है कि इस प्रकार से प्रश्न आया हुआ है कि दोहरा निषेचन और त्रिसलयन क्या है त्रिसलयन में शामिल निकुलाई के नाम बताइए तो जिस प्रकार से प्रश्न जो चीज़ पूछ रहा है और शब्द सीमा नीचे दिया गया है कि पचास से पचहत्तर शब्द सीमा हो सकता है तो इस प्रकार के आसपास के शब्द सीमा तक आप लोग को इसकी परिभाषा नामांकित चित्र और इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सभी को करनी है ये पूरा जैसे प्रश्न सारे प्रश्न आप असाइनमेंट जो पेज है सीट है उसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे लिखने के बाद इसे करना क्या है लिखने के बाद जैसा कि आप लोग के लिए जो पेपर शीट है इस पेपर शीट पे आप सभी लोग पेपर शीट पे लिखने के बाद एक साइड में आप सभी एक साइड में अपना स्टेपलर कर सकते हैं और स्टेपलर करने के बाद इसे आपके संबंधित जो विद्यालय है वहीं पर वहीं पर हर महीने के दस तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करनी है देखिए यह जो असाइनमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में आपका जो अंतिम जो रिज़ल्ट बनेगा वह इसी के आधार पर ही अंतिम रिजल्ट बनने की बन सकता है तो आप सभी को ध्यान यही देनी है कि असाइनमेंट आप लोग स्वच्छ और अच्छे जो राइटिंग है उसमें आप लोग लिखें और आपके संबंधित जो विद्यालय है वहाँ पर प्रत्येक माह का जो असाइनमेंट है वह दस तारीख तक अनिवार्य रूप से आप स्वयं उपस्थित होकर या फिर किसी के माध्यम से भी आप लोग वहाँ पहुँचा सकते हैं